जर्मनी से ही हमारे देश की राजधानी जब जुड़ रही हैं श्रद्धा जी। श्रद्धा जी ने पोस्ट ग्रेजुएट तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में किया है और पिछले 16 सालों से रेडियो टेलीविजन में कार्यरत रही हैं, मीडिया प्रमोशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में। पहले वो भारत में थी, तब भारत में कार्यरत थी, अभी जर्मनी से भी कार्यरत हैं। यह जर्मनी में भारतीय दूतावास की ओर से हिंदी भाषा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी संलग्न रहती हैं। जब भी दूतावास की तरफ से कुछ कार्यक्रम करवाए जाते हैं, हिंदी साहित्य व काव्य में रुचि होने के कारण बचपन से ही समाचार पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख छपते रहे हैं। और श्रद्धा जी, बर्लिन आके मैं तो कहूँगा कि शायद आपको एक नई दुनिया मिल रही है, नए तरह की हिंदी शायद आपको जानने समझने को मिल रही है, खासकर जब आप दूतावास के साथ जुड़ते हैं तो आपके अनुभव भी ज्यादा होंगे कि हमारी हिंदी की स्थिति कैसी है जर्मनी में। तो हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे, और आज एक साथ हम लोग मित्रता के ऊपर कुछ सुने आपसे, और फिर हम तो आगे बढ़ते ही रहेंगे साथ साथ। श्रद्धा जी नमस्कार, धन्यवाद गौतम जी, कृष्ण कन्हैया जी और सभी हमारे प्रिय कवि और कवित्री, इनमें से आप में से बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ, साथ में हम काम कर चुके हैं। और महिलाएं जो हैं, मैं खास तौर पर कहना चाहूँगी कि काव्य जगत के क्षेत्र में विश्व स्तर पर बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं, और हमारी शिल्पी शिप्रा जी हैं, हमारी इंदु जी हैं, इनको तो मैं इनके साथ काफ़ी कार्यक्रम और कई और भी हम कार्य कर चुके हैं। तो आप सब लोगों के बीच में यहाँ पर सम्मिलित होना एक बहुत ही गर्व की बात है, और हम सब अलग अलग जगह रह रहे हैं और विदेशों में रह करके भारत और हिंदी का मान बढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए भी एक अच्छा अवसर है और हमारे जीवन का एक साकार रूप जो हम इस तरह से विदेश में रह के पाते हैं, इसमें इसके कहने ही क्या है। तो मित्रता के ऊपर ये जो कार्यक्रम है वो ऐसी चीज़ है, क्योंकि मित्रता जो है वो हमें बिना कुछ एफर्ट्स लगाए हमें मिल जाती है, और बाकी सारे रिश्तों से भी कभी ज़्यादा बढ़ कर के हमारी ज़िंदगी में आती है। तो मैं इसे शुरू करना चाहूँगी रहीम जी की पंक्तियों से। कही रहीम संपत्ति सगे, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत कसौटी जे कसे, विपत कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत, तेई साचे मीत। तो अब मैंने एक रचना लिखी है, एक ही कविता लिखी है, उससे अधिक मुझे लगा कि मैं क्या ही सोचूं, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दोस्ती है ही अजीब, दोस्ती है ही अजीब बस हो जाती है, दोस्ती है ही अजीब बस हो जाती है, कभी पल भर में तो कभी सालों में पक्कर आती है, कभी पल भर में तो कभी सालों में पक्कर आती है, कभी चार दिन नहीं टिकती, कभी चार दिन नहीं टिकती तो कभी सांसों के साथ ही जाती है, दोस्ती बस हो जाती है। सबका अपना अपना अनुभव, अपना अपना स्वाद है, सबका अपना अपना अनुभव, अपना अपना स्वाद है, ये अनबूझी अनजानी भाषा है, ये शब्दों में कहाँ बताई जाती है, दोस्ती है ही अजीब बस हो जाती है। कभी इमली सी खट्टी तो कभी जलेबी सी मीठी रसीली, कभी इमली सी खट्टी, कभी जलेबी सी मीठी रसीली, कभी दांत से तोड़ी उस आधी टॉफी की याद दिलाती है, कभी कागज की नाव तो कभी दूर उड़ती पतंग की डोर सी मजबूत पकड़ नजर आती है, दोस्ती है ही अजीब बस हो जाती है। बिल्कुल सही, बहुत सही। ना रंग देखती है, ना रंग देखती है, ना जात पात, ना सोचे औरत मर्द, ना रखे उम्र का हिसाब, ना सोचे औरत मर्द, ना रखे उम्र का हिसाब, बस बात मिले जज्बात मिले, दिल की कहने सुनने वाला कोई साथ मिले, बस बात मिले जज्बात मिले, दिल की कहने सुनने वाला कोई साथ मिले, साथ हंसे साथ रोए, कभी डांटे कभी मन का मैल धोए, कभी डांटे कभी मन का मैल धोए, ये कभी ठंडी बयार तो कभी सर्दी की गुनगुनी धूप बन जाती है, दोस्ती है ही अजीब बस हो जाती है। और अब अंतिम कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। खोलते ही वो पुराना डब्बा,
खोलते ही वो पुराना डब्बा, कभी कौड़ी, कभी सीपी, कभी फ्रॉक की वो सुंदर सा टूटा सा बटन, यानी कि हर चीज पुरानी यादों की गलियों में ले जाती है। दोस्ती है ही अजीब, बस हो जाती है, सांसों की डोर से बंधी रहती है, ये सांसों की डोर से बंधी रहती है और सांसों के साथ ही जाती है। दोस्ती है ही अजीब, बस दोस्ती हो जाती है। बहुत बढ़िया श्रद्धा जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही गंभीर बातें, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, एकदम जलेबी की तरह मीठा। बहुत धन्यवाद और सबका आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।